नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बताते चले कि सीहोर में होने वाले देवी लोक महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं, जहां सीएम आज प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि रथ में स्थापित है देवी विजयासन की चरण पादुका, सीएम हाउस से सीहोर के लिए रवाना हो जाएंगी रथ यात्रा। सीहोर की चारों विधानसभा में जाएगी रथ यात्रा। 29 मई से 31 मई तक मनाया जाएगा देवी लोक महोत्सव। सीहोर के सलकनपुर में होगा 3 दिवसीय देवी लोक महोत्सव। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सीहोर में होने वाले देवी लोक महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई है। इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद दौरा करते हुए नजर आएंगे, जिसके तहत आज वो प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही साथ इसके तैयारी को लेकर भी नजर बनाए हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी नीलम जुड़ चुकी है, उनके ओर रुख करेंगे सीधा। नीलम, आखिर देवीलोक महोत्सव को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और सीएम की तरफ से हरी झंडी दिखाई जाएगी, उसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए सीहोर का जो सलकनपुर धाम है, यहाँ पर देवी लोक बनाया जा रहा है, जिसका महोत्सव 29 से लेकर 31 मई तक चलेगा। इसके प्रचार प्रसार रथ को आज जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाएंगे। इस प्रचार रथ में देवी विजयासन देवी की चरण पादुकाओं को स्थापित किया गया है। कल जो सीएम के बेटे हैं कार्तिकेय, उन्होंने पूरी चरण वंदना करके पूजा अर्चना करके उस चरण पादुका को जो है रथ में विराजमान किया था, जिसे आज सीएम शिवराज सिंह चौहान हरी झंडी दिखाने वाले हैं। सीएम हाउस में जो है ये कार्यक्रम होगा, करीब दोपहर 2 बजे ये कार्यक्रम होगा, जिसमें ग्राम पंचायत और नगरीय स्तर के जो समितियां हैं उनका एक सम्मेलन भी होने जा रहा है। और इसी सम्मेलन के तहत जो है मुख्यमंत्री जो रथ है उसे हरी झंडी दिखाने वाले हैं। अगर हम बात करें देवी लोक की, तो महाकाल लोक के बाद जो है सलकनपुर मंदिर को विकसित किया जा रहा है और पूरा देवी लोक बनाया जाएगा, जैसे महाकाल लोक बनाया गया है। इसमें देवी माँ से जुड़े हुए जितने भी प्रचलित कथाएं हैं उनका यहाँ पर जो है विकास किया जाएगा और एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है सरकार का महाकाल लोक के बाद। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए जो है ये रथ बनाया गया है 3 दिवसीय जो उत्सव होगा उसके लिए, और एक बड़ा सम्मेलन भी यहाँ पर जो है किया जाएगा। ये प्रचार रथ जो है सीहोर की जो चारों विधानसभा है यहाँ पर जो है 29 मई तक घूमेगा और जो देवी लोक महोत्सव मनाया जा रहा है उसका प्रचार प्रसार करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो इस दौरान जो है सलकनपुर में एकत्रित हो और जो पूजा अर्चना और पूरा कार्यक्रम मनाया जाएगा उसमें सम्मिलित हो सके। बिल्कुल नीलम, बने रहिएगा, आगे भी आपसे तमाम खबरों की अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बहरहाल इसको लेकर सीएम द्वारा कुछ तैयारियां की जा रही हैं। बढ़ेंगे आगे अगली बड़ी खबर की ओर।